नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे, जो बीती रात अपने गांव की ओर जा रहे थे। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि संजय पटेल और आशीष पटेल रीवा में रहकर ठेकेदारी का काम करते हैं, जिसमें आशीष पटेल संजय का चाचा लगता है। बीती रात बाइक पर सवार होकर गाँव बेला के पगरा गाँव तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। परिजनों का कहना है कि वो शाम को हमेशा घर की ओर निकलते थे। तकरीबन 12 बजे परिजनों को अस्पताल चौकी से सूचना मिली कि संजय पटेल और आशीष पटेल का एक्सीडेंट हो गया है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो दोनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों की मौत का कारण सिर में गंभीर चोट होना बताया जा रहा है। ये घटना चोरहटा थाना क्षेत्र के नहर के समीप होना बताई गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस वाहन ने ठोकर मारी है या वो फिर खुद दुर्घटना का शिकार हुए हैं। पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है, साथ ही मृतकों के शवों का पीएम कराया जा रहा है। ये रीवा से घर तरफ जा रहे थे, ग्राम पगरा में, थाना रामपुर बघेलान के अंतर्गत आता। वो लोग रीवा में रहते थे? नहीं, घर से एक रहता था रीवा में, लेकिन एक घर चला जाता था। ठेकेदारी करते हैं। घटना कैसे हुई, क्या था वहाँ, काहे को जा रहे थे? वो घर को जा रहे थे तो जो अभी मिली जानकारी के जो इस पार्ट में मिला तो डिवाइडर में ब्लड उसके मिले हैं। डिवाइडर लगा था वहाँ से, बगल डाइवर्सन था, वहीं पर उन टकराए हैं। अब और बाकी स्थितियां नहीं मालूम है, रात के समय की बात। घर में कुछ कार्यक्रम था क्या, वहां जा रहे थे? नहीं, कार्यक्रम परिवार में था, परिवार में था कार्यक्रम, उनके घर में नहीं था। वही शामिल हो रहे हैं? नहीं, शामिल लोग डेली घर जाते थे, रोज घर चले जाते थे वापस। घटना का नहीं पता चला कैसे हुआ? नहीं, घटना का पता नहीं चला, यह हुआ कि एक्सीडेंट से हुई है। हमको 12 बजे के लगभग सूचना यहाँ से मिली, संजय गांधी अस्पताल द्वारा दी गई, और पूछने पर पता चला कि ये आपका एम्बुलेंस द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया लाके। अभी ये मतलब ये दोनों जो परिवार के वो खत्म है, तीसरे का पता नहीं है आपको कौन? हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोग घर वाले हैं तो पहचानते भी नहीं हैं।